आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक हैं और चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ ही यूपी के मॉडल की चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा और सपा के प्रमुख भी अपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सहमति सपा बसपा और बीजेपी की कांग्रेस पर एक है। बसपा और सपा कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के कार्यकाल को याद करते हुए आपातकाल तक चली जा रही है। इन सबके बीच सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर एमपी में है। वहीं दौरे के दूसरे दिन पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर मायावती भी आज एमपी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां सतना और रीवा में चुनावी जनसभा वो करती हुई नजर आएंगी। साथ ही रीवा में एसएएफ की 9वीं बटालियन ग्राउंड में ये रैली को मायावती संबोधित करेंगी। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, विधानसभा चुनाव एमपी का है, लेकिन यूपी के तमाम दिग्गज नेता इस रेस में दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं, चुनावी धमकम दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच रितेश, जो एक कॉमन बात निकल के सामने आई है वो ये है कि हर एक दल मिलकर कांग्रेस पर हमलावर है। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए रितेश, क्योंकि अब तो उनके सहयोगी भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मुस्कान की जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे पहले श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना डंका बजा चुकी है। अगर बात की जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, दोनों की आपस की जो दरार है वो कहीं ना कहीं जनता के माइंड को स्ट्रोक कर रही है कि आखिर जब ये दोनों का जब गठबंधन हुआ है, उसके बावजूद भी जब दोनों की आपस खिंचातान चल रही है, तो आने वाले समय में अगर हम इनको वोट अपना मतदान देकर अगर विजयी भी बनाते हैं तो किस तरीके से ये क्षेत्र का या समाज का या पूरे प्रदेश का विकास करेंगे, तो ऐसे में ये बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ग्रुप का एकता निकाला है, यानी फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर है और वहां पर आज उनकी जनसभा भी है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार 3 बार लगातार मध्य प्रदेश में बनी, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से कोशिश करने जा रहे हैं और इस कोशिश के तहत ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डंका वहां पर बज सकता है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार लगी है। जिस तरीके से यूपी के नेता मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो बसपा चीफ मायावती की बात की जाए, भाजपा के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो वही अगर हम सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय होकर कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में क्या यूपी के नेताओं का मैजिक एमपी विधानसभा चुनाव में चलेगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के नेताओं का मैजिक क्यों चलेगा, इसको समझने वाली बात है। अगर हम बात करें कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, जब दोनों का गठबंधन हुआ तो यह आपसी सहमति से उनको सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन सीटें जब नहीं मिली समाजवादी पार्टी को उनके मन मुताबिक, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 74 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने 74 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं ये रार पड़ गई, यानी वो गठबंधन खत्म हो गया जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था। तो ऐसे में जो लाभ है वो पूरा लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, और जिसका फल आज यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता आज मौजूद रहेंगे, क्योंकि 9 दिन अब चुनाव के लिए बचा हुआ है एमपी में। तो ऐसे में आज का जो चुनाव प्रचार है वो बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब चुनावी शोर में यूपी के जो तमाम प्रमुख दल है वो अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। वहीं आज सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज लोगों के बीच पहुंचेंगी और जनसभा को वो भी संबोधित करेंगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी अब राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजस्थान के पास सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान तक कर दिया है। जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें ही बढ़ सकती हैं। इससे पहले सपा ने मध्य प्रदेश में भी 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस को भी चुनौती देगी। सपा यहाँ अलवर जिले की राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, धौलपुर, भरतपुर की नदवई और नगर सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। सपा को उम्मीद है कि पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस में तकरार तो चल ही रही है, कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने भी प्रत्याशियों को खड़ा किया है। ऐसे में अब सपा की तरफ से इशारों में यह भी कहा गया है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें ऐसी है जहां सपा के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि इसका सीधा असर, जानकार बताते हैं कि जो वोट कटेंगे वो कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं कटेंगे, यानी कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ फिलहाल नजर आता है। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। देखिए रितेश, सपा और कांग्रेस के बीच ये जो तल्खी है ये अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सपा सुप्रीमो ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये 5 सीटें कौन कौन सी है रितेश, और यहाँ पर कांग्रेस कितनी मजबूत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मुस्कान की 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इस 5 राज्यों का चुनाव जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मैच की तरह इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए जो 5 राज्यों के चुनाव है वो काफी अहम माने जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए, हम मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से टूट गया है। ऐसे में 74 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया। आज अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है वहां पर। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने 5 प्रत्याशियों को वहां उतारने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है, सन 2018 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। इससे पहले की अगर बात की जाए, सन 2008 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी के पाले में एक खाता खुल पाया था। तो ऐसे में कांग्रेस का कितना नुकसान समाजवादी पार्टी कर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन के ऊपर ही सारी बातें तय होती है, उसका वोट किस तरफ जाएगा। हालांकि गणना अब जनता भी कर रही है, लेकिन तो देखिए रितेश, जिस तरीके से अखिलेश यादव अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय हो चुके हैं, ऐसे में सपा की सियासी जमीन आखिर राजस्थान में कितनी मजबूत और है क्या अभी? हाँ देखिये, मैंने अभी आपको बताया, अगर सन 2008 से बात की जाए तो 2008 में उनको एक सीट पर जीत हासिल हुई थी राजस्थान में। 18 का जब चुनाव हुआ तो वहां पर वो 5 सीटें जब लड़ते हैं तो 5 सीट में से उनका शून्य रहता है। उसके बाद आज जब कांग्रेस से उनका गठबंधन होता है और गठबंधन टूटता हुआ नजर आता है, तो जहां पर पहले से पांव जमाए हुए कांग्रेस गहलोत की सरकार राजस्थान में बरकरार है, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों की जाकर के वहां पर जानकारी देगी, यानी राजस्थान की जनता को उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या काम किए हैं वो जाकर बताएंगे। हालांकि आपने कई बार समाचारों में सुना होगा कि अखिलेश यादव अपने आगरा एक्सप्रेस वे का और लैपटॉप वितरण का वो बखान करते नजर आते हैं। अगर वही बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उनके पास इतने पुलिंदे हैं कि वो पढ़ते पढ़ते 24 घंटे भी कब पड़ जाएंगे। तो ऐसे धन्यवाद उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में धनतेरस और दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पटाखों की दुकानों को लेकर भी लाइसेंस जारी किए गए हैं। पटाखा बाजार में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अग्निशमन की ओर से बाजार में पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। दीपावली के पर्व को देखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में पटाखों की जो दुकानें लगती हैं वो निर्धारित स्थानों पर लगाने हेतु लाइसेंस निर्गत किए गए हैं और अग्निशमन विभाग द्वारा वहां पर सभी सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं।
इसके साथ साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जो प्रमुख हमारे मार्केट हैं, उसमें से कुछ प्रमुख बाज़ारों में त्यौहार के दिनों में जो फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स हैं उनका आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उसके लिए अल्टरनेट पार्किंग की व्यवस्था एवं वन वे की व्यवस्था भी लागू की गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना वेव सिटी के ग्राम महरौली में शराब पीते समय दो दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद के बाद एक दोस्त ने गन्ना काटने वाली बलकटी से अपने दोस्त पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हमला करने के बाद आरोपी ने एम्बुलेंस और पुलिस को भी फोन किया, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक सतेंद्र चौधरी की मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना वेव सिटी के ग्राम महरौली में दीपक चौधरी और सतेंद्र चौधरी दोस्त हैं। दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। दोनों अक्सर शराब भी साथ पिया करते थे। सोमवार की रात भी दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और बताया जा रहा है कि इस दौरान सतेंद्र ने दीपक की पत्नी को लेकर टिप्पणी कर दी, को लेकर विवाद हो गया। वही डीसीपी ग्रामीण विवेक यादव ने बताया कि इसके बाद आरोपी दीपक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, साथ ही जिस हथियार से हत्या की गई है उसको भी बरामद कर लिया है। दिनांक 7 नवंबर 2023 को थाना वेव सिटी में स्थित ग्राम महरौली में एक व्यक्ति के घर पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना वेव सिटी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई। मृतक की पहचान सतेंद्र उर्फ पिंटू तेवतिया सन ऑफ प्रताप सिंह निवासी महरौली थाना वेव सिटी के रूप में हुई। पीलीभीत से है, जहां ग्राम पंचायत सबलपुर खास में घटिया सामग्री से निर्माण काम हो रहा है। नाले की पुरानी दीवार पर बगैर साफ सफाई कराए ऐसे ही मसाला डालकर चुनाई की जा रही है और निर्माण कार्य वो भी पीला ईट से हो रहा है। वही संबंधित अधिकारी कमीशन खोरी के चलते अनजान बने हुए हैं, जबकि कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर खूब कमीशन खोरी के चलते प्रदेश के मुखिया के आदेशों को खुलेआम पलीत लगाते हुए नजर आए हैं। प्रदेश सरकार एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर हैरान कर देने वाला मामला रायबरेली से सामने आया, जहां एक कलयुगी पिता ने बेटी पैदा होने से नाराज पति ने अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीटा और नुकीले औजार से शरीर पर हजारों निशान तक बना दिए, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने SP ऑफिस पहुंचकर पति के खिलाफ मामले को लेकर शिकायती पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां चेन स्नैचिंग के अभियुक्त और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। जहां गश्त के दौरान पुलिस ने घेराबंदी की, जहां अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई है और अभियुक्त के पैर में इस दौरान गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक सोने की चेन बरामद की है। वही चेन स्नैचिंग करने वाला अभियुक्त का नाम बाबूराम चौहान है, जो कि गोसाईगंज थाना जनपद अयोध्या का रहने वाला है। बता दें कि घायल बीते 5 नवंबर को अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का सोने का चेन खींचकर फरार हो गए थे। मैं सूरज कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद अम्बेडकर नगर, कोतवाली अकबरपुर में दिनांक 5/11 को एक चेन स्नैचिंग घटना हुई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 622/23 धारा 392 अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसमें सीसी कैमरा का सहयोग लेते हुए अभियुक्त की जानकारी की गई। आज कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूटी हुई चैन, नाजायज तमंचा व कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ, जिसे अस्पताल भेजते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां चीनी मिल में आज से गन्ने का पेराई सत्र चालू हो गया है। वही अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस सत्र में मिल में अच्छे गन्ने की पेराई हो और किसानों को वाजिब मूल्य मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। समय से गन्ना कट जाने से गेहूं की बुआई जल्दी हो पाएगी, जिससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस